नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं, तो पूर्व के कार्यक्रमों में मैंने आपको बताया कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं होते और ये आपका पैर पकड़कर खड़े हैं। किंतु जरा सोचकर देखिए, कल तक जो व्यक्ति आपके हर कार्यों में रुकावटें क्रिएट कर रहा था, आज से वो व्यक्ति आपके कहे अनुसार चलना चालू कर दे और जैसा जैसा आप कहें वैसा वैसा वो करता जाए, तो जीवन कितना सहज हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार की स्थिति 23 जून से लेकर 7 नवंबर तक तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होने जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पर देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय के अंदर अपने परम शत्रु केतु के नक्षत्र में बने हुए हैं और 23 जून को ये आपके लगन के स्वामी, ध्यान से सुनिएगा, आपके लगन के स्वामी शुक्र महाराज के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर ये बाध्य हो जाएंगे किसकी तरह कार्य करने के लिए, तो शुक्र की तरह कार्य करने के लिए। और शुक्र कौन है, तो ये आपके लग्न के व्यक्तित्व की स्थितियों के स्वामी है और आपके स्वामी की तरह यदि आपका शत्रु कार्य करना चालू कर दे तो आप सोचिए, जो पैर पकड़कर खड़ा था वही अब हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाने की स्थिति बना रहा है। यहां पहली स्थिति में शनि महाराज की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति मुक्त हुए, राहु से गुरु की दूरियां बनी, यहां देवगुरु बृहस्पति शुद्ध हो गए और अब शुद्ध होने के पश्चात ये आपके लग्नेश की तरह अर्थात शुक्र की तरह कार्य करना प्रारंभ कर दें, तो आपके लिए चीजें कितनी सहज होने जा रही है इसकी अनुभूति आप करेंगे और फिर बाध्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपको एक बात कहने के लिए। और वो बात क्या है कि गुरु जिसे तारे उसके होकर रहते हैं वारे न्यारे। यहां देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह माने जाते हैं, अपने कारकत्व दाम्पत्य स्थान के स्थान पर शुद्ध हुए हैं और कार्य करने की बाध्यता लेने जा रहे हैं शुक्र महाराज के अनुसार। दाम्पत्य जीवन को भी मधुर करेंगे, दैनिक रोजगार की स्थितियों में भी अच्छे लाभ देंगे, आपकी पार्टनरशिप की स्थिति का योग भी अच्छा बना देंगे। इसी के साथ में शुक्र महाराज की तरह जो अष्टम भाव से संबंधित ऑब्स्टेकल चल रहे थे, मानसिक तनाव चल रहा था, टेंशन चल रही थी, डिप्रेशन चल रहा था, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, बार बार 99 पर जाकर पीछे आ जा रहे हैं, उन सब में भी आपकी सहायता करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा, जब भी जीवन में समस्या आती है उसे ज्ञान के माध्यम से यदि आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से मिलती है सफलता और उसी सफलता को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की परिपूर्णता तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। यहां से जब शुद्धिकरण में शुक्र महाराज के नक्षत्र में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव पर दृष्टि देंगे तो ये धन के कारक हैं, ये जीव कारक हैं जो व्यक्ति का जीवन चलाते हैं और जीवन किससे चलता है, तो आय से चलता है, जो आप अर्निंग करते हैं उससे चलता है। शुद्ध करण में आकर आपकी आय की स्थितियों को अच्छे से बनाकर रखेंगे, ये व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के कारकत्व को भी रखते हैं और ये क्या है, मनोरथों को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भाव, तो मनोकामना को भी पूर्ण करेंगे। सप्तम दृष्टि से जो अब तक आपके विचारास्पद स्थितियों को भिन्न कर रहे थे, जब शुक्र महाराज के नक्षत्र में प्रवेश कर स्वामी की तरह कार्य करना का योग बनाएंगे, शुक्र की तरह फल देने की स्थिति बनाएंगे, तो ज्ञान का कारक ग्रह जो अब तक आपके डिसीजन खराब हो रहे थे उनको आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेगा। निर्णय शक्ति को ज्ञान स्वरूपी योग में कैसे आगे बढ़ाया जाए और ना सिर्फ आपको, आपके कुटुंब परिवार को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त किया जाए, इसमें शुद्ध ज्ञान की स्थिति निर्मित करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और अब आप अनुभूति भी कीजिएगा, 23 जून से 27 नवंबर तक आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे ये आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा अवश्य रूप से दिलाएंगे। यहां से नवम दृष्टि का योग भाग्य स्थान, माफ कीजिएगा, पराक्रम भाव पर दे रहे हैं और ये इनकी खुद की राशि है तो यहां तो ये बाध्य ही हो जाते हैं अपने आप से ही शुभ फल देने के।
दैनिक रोजगार की स्थिति में बैठकर भाग्य का साथ देते हुए आपको पराक्रम भाव का जब फल देंगे तो पिछले समय में जो मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट की स्थितियों को कहीं ना कहीं राहु रोक रहा था, उस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अब आपको शुभ फल देने जा रहे हैं। अद्भुत रूप से 23 जून से 27 नवंबर का ये समय आपके लिए कार्य करेगा कि जो कल तक आपका पैर पकड़कर खड़ा था आज से वो ही आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। और यही है मित्रों ग्रहों का खेल। एक ही बात का ध्यान रखिएगा, यदि लग्न से छठवे आठवें बारहवें घर में देवगुरु बृहस्पति है या जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जाते हैं। इन चार स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हों, भरणी नक्षत्र में प्रवेश के पश्चात 23 जून से 27 जून तक आपको देवगुरु बृहस्पति कहने पर बाध्य कर देंगे कि देवगुरु बृहस्पति जिसे तारे उसके होकर रहते हैं वारे न्यारे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।